character, that is the hack driver. ये hack driver story समझने के पहले हमें इसका background समझना बहुत important है. इसमें एक जो narrator है, इसने अपना law जो graduation था वो खत्म कर दिया है, और उसे एक lawyer का job नहीं मिला, but वो एक assistant clerk का काम करता है, और इसमें उसे एक duty दी जाती है कि वो अलग-अलग village में जाकर जो भी witness होते हैं, जिनको court लेकर आना रहता है, इन्हें जाकर पकड़कर वो कोर्ट तक लेकर आता है. ये जो जॉब था ये बहुत ही डेंजरस जॉब था, और ये जॉब करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. बट ऐसे ही उसे एक जॉब एक विलेज में दिया जाता है, और वो खुश होता है कि उसके सिटी से उसे दूर जाने को मिल रहा है और विलेज में उसे काम करने को मिल रहा है. जब वो मुलिये में जाता है तो जैसे ही स्टेशन में जब वो उतरता है तो उसे एक इंसान मिलता है. इस इंसान का नाम वो अपना नाम बिल बताता है या तो मैगनसन बताता है, और वो इसे मदद करने के लिए तैयार रहता है. ये जो बंदा है ये थोड़ा रेड फेस का है और बहुत ही खुशनुमा खुश मिजाज इंसान है ये. तो हम ये स्टोरी को समझते हैं, बट स्टोरी को समझने के पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल आइकन. हाय, मैं एक वकील हूँ और मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ. लुटकिंस, मैंने लगभग एक घंटे पहले उसे यहीं आसपास देखा था. उसे ढूंढना हमेशा ही मुश्किल रहता है. शायद वो फ्रिट्स के दुकान के पीछे पोकर गेम खेल रहा होगा. चलो आओ, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करता हूँ. हाँ, जितना जल्दी हो सके. मैं आज दोपहर में ही मेरे शहर के लिए वापसी की ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ. लुटकिन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसके पीछे एक रहस्य भी है. फिक्र मत करिए सर, हम दोनों साथ चलकर उसे ढूंढ लेंगे. मुझे ऐसे बहुत सारी जगह पता है जहाँ वो जाया करता है. वो काफ़ी मिलनसार था, उसने मुझे बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया. मुझे पता था कि मेरी मदद करके इस ड्राइवर को ही फ़ायदा होगा, पर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे दयालु इंसान के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च भी कर दूं, तो वो अच्छा ही होगा. मैंने उसे मोल भाव करके हर घंटे के $2 के हिसाब से मना लिया था. कुछ ही दूर पर उसका घर था, वहाँ से वो एक पियानो के डब्बे जैसी चीज़ लेकर आया जिसमें पहिए भी लगे हुए थे. मैं तुम्हारे काम में दखल तो नहीं देना चाहता, पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम लुटकिन से पैसे लेने आए होगे. वो किसी को भी एक सेंट भी पैसे वापस नहीं करता. पोकर गेम में हारने के बाद लुटकिन को मेरे 6 बिट मुझे देने थे, जो कि अब तक उसने नहीं वापस किया. मैं ही बेवकूफ़ था कि मैंने उसके साथ पोकर खेला. अगर आप चाहते हो तो मैं फ्रिट्स के दुकान पे जाता हूँ और उसके बारे में पूछता हूँ, और आप मेरे पीछे कहीं छुपे रहना. मैं लुटकिंस को कोर्ट में ले जाने के लिए आया हूँ. अच्छा, ठीक है. मुझे अपने बारे में तो कुछ बताओ मिस्टर. सब लोग मुझे बिल या मैग्नसन के नाम से जानते हैं, और मेरे बिजनेस का नाम विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग है. ठीक है बिल, तो क्या हम फ्रिट्स की दुकान पर चलें? ये जो लुटकिन है ये बहुत पोकर खेलता है, उम्मीद है कि वो वहीं कहीं होगा. क्या तुमने ओलिवर लुटकिन को कहीं देखा है?
उसका एक दोस्त उसे ढूंढ रहा है। हाँ, वो कुछ समय पहले यहीं पे था। वो अभी कस्टम के दुकान पे सेव करवाने गया है। अगर वो यहाँ आए तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। बिल्कुल। तुमने लुटकिंस को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा और ना ही देखना चाहता हूँ। उसे मेरे $35 मुझे वापस करने हैं। अगर तुम उससे मिलो तो मेरे $35 उससे ले लेना। मैंने उसे देखा था, मैंने उसे मेन स्ट्रीट पर चलते हुए देखा था। होटल की तरफ ही चल रहा था। हम दोनों वहां से ग्रे की नाई की दुकान पर चले गए, पर 5 मिनट पहले ही वो वहां से जा चुका था। उसने एक सिगरेट का पैकेट लिया और वो वहां से चला गया। अंत में मैंने बिल को 6 घंटे की ट्रैवलिंग के पैसे दे दिए और फिर आखिर में हम लुटकिन के दोस्त से मिले। ओलिवर 3 मील दूर अपनी माँ के खेत में गया है। मैं ओलिवर के माँ को जानता हूँ। वो डरावनी सी है। मैंने एक बार उसका एक बक्सा निकाला और उसने लगभग मेरी चमड़ी उधेड़ दी क्योंकि मैंने उसे अंडे के बक्सों जैसा नहीं संभाला था। वो करीब 9 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी है और बिल्ली की तरह फुर्तीली भी है और वो जवाब देने वालों में से है। मैं दावा करता हूँ कि ओलिवर को पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अपने घर जाकर अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गया होगा। खैर, हम कोशिश करेंगे। क्या मुझे पहचाना? मैं बिल हूँ। मैं किराए की गाड़ी से सामान इधर उधर लेके जाता हूँ। मैं आपके बेटे को ढूंढ रहा हूँ। ना मैं ओलिवर के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। अच्छा, अभी मेरी बात सुनिए। हमने बहुत सारी बिना वजह की बातें कर ली है। ये इंसान इस शहर की कोर्ट का एक ऑफिसर है और हमें ओलिवर की सारी संपत्ति ढूंढने का अधिकार मिला हुआ है। अगर तुम्हें मरने की ही इच्छा है तो ढूंढ लो जो तुम्हें ढूंढना है। चलो यहाँ से निकलते हैं, ये हमें मार डालेगी। क्या तुमने उसकी मुस्कान देखी? वो हम पर हंस रही थी। हाँ हाँ, मैंने देखा ना। ये लगभग मेरा दोपहर की ट्रेन पकड़ने का समय हो चुका था और बेल ने मुझे स्टेशन छोड़ दिया था। शहर जाते वक्त मैं बहुत परेशान रहा कि मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। अगले ही दिन कोर्ट में केस की तारीख थी और उन्हें लुटकिंस वहाँ चाहिए था। मैं अपनी मूर्खता और नाकामियत पर बहुत शर्मिंदा था। मुझे वापस न्यू मिलियन जाने का आदेश मिला और मेरे साथ वो व्यक्ति गया जो लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। जब ट्रेन मुलियन पर पहुंची, बिल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। ल्यूटकिन की माँ वहीं बिल के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी और बिल्कुल भी बहस नहीं कर रही थी। वो देखो, वहाँ एक अच्छा और एक सच्चा इंसान है जिसके साथ मैंने पूरा दिन बिताया था। क्या उसने तुम्हें ओलिवर को पकड़ने में मदद की? हाँ हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की। हाँ हाँ, की ही होगी, वो खुद ही तो लुटकिन से। पर सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात ये थी कि जब मैं लुटकिंस को पकड़ने गया तो उसकी माँ मुझ पर हंस रही थी। मैंने मेरे शहर के लोगों को तुम्हारे बारे में बताया, वो लोग सब बहुत हैरान थे और वो लोग सब तुमसे मिलना चाहते हैं। पूरे शहर में बस वही लोग थे जिनने तुम्हें नहीं देखा।